15 दिनों में नॉर्मल डिलीवरी का तैयारी कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि आपका आने वाला बच्चा इस दुनिया में सही सलामत आए, भगवान उन्हें लंबी उम्र दे। अभी हम जानेंगे इस वीडियो में कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या प्रोसेस होती है, हमें क्या करना चाहिए जिससे आसानी से हमारा नॉर्मल डिलीवरी हो। हम सभी जानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए कम से कम बच्चेदानी का मुँह 8 से 10 यानी कि इंच खुलना ज़रूरी है, जो नॉर्मल डिलीवरी का बहुत ही आसान प्रोसेस बन जाता है। जब तक बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलेगा तब तक नॉर्मल डिलीवरी होने का चांस जो होता है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इन सारी बातों को जानेंगे जिससे आपको क्या क्या करना है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, क्या क्या आपको करना पड़ता है जो आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में आसान हो जाएगा। जिन महिलाओं का बच्चेदानी का मुंह अच्छे तरीके से खुल जाता है उन्हें ही नॉर्मल डिलीवरी होता है, अन्यथा सी सेक्शन होने की चांस ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी का सबसे जो आगे की प्रोसेस है, सबसे फर्स्ट प्रोसेस है, वो है बच्चेदानी का मुंह अच्छे से खुलना। क्योंकि सारे डिपेंड इसी पर होते हैं कि यदि बच्चेदानी का मुँह अच्छे से नहीं खुल रहे तो नॉर्मल डिलीवरी की संभावना कम हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि आपके शरीर में कई सारे कमियां आ जाती हैं जिसकी वजह से डॉक्टर को सी सेक्शन करना पड़ता है। चलिए जानते हैं उन कमियों के बारे में। जैसे कि आपको पूरी प्रेगनेंसी तो ठीक ठाक चल रही है लेकिन उसमें आपको जैसे कि ब्लड की कमी हो गई तो उसमें भी डॉक्टर को सीजरियन करने की ज़रूरत पड़ जाती है। क्योंकि आपका शरीर में जब ब्लड नहीं रहेगा तो सी सेक्शन की डॉक्टर को करना पड़ जाता है। दूसरे ये भी हो सकते हैं उपाय, जैसे कि आपको पानी की कमी शरीर में, क्योंकि गर्मियों में अक्सर तो प्रेग्नेंट महिलाएं पानी बहुत ज़्यादा पी लेती हैं, अपना एक उचित जो उनको पानी पीना होता है। लेकिन अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है तो इस समय वो पानी पी नहीं पाती है, अक्सर प्यास भी बहुत कम लगते हैं और ठंड की वजह से पानी नहीं पी पाते हैं। तो याद रखिए, आपको नॉर्मल डिलीवरी सभी महिलाएँ चाहते हैं तो इसके लिए आपको पानी कम से कम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए। कम से कम 5 से 6 लीटर तो ज़रूर आप प्रतिदिन पिए। इससे क्या होगा कि आपका शरीर में पानी की कमी नहीं होगी तो डॉक्टर आपको नॉर्मल डिलीवरी का चांस ज़्यादा देते हैं और सिजेरियन का कम हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है जिन महिलाओं का पानी की थैली पहले ही फट जाता है तो उनको सिजेरियन करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से आप जब भी आपको पानी की थैली पहले फट जाए या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर से कंसल्ट लें। कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि बच्चे गर्भ में पोटी कर देते हैं तो जिसके वजह से भी यानी कि सीजरियन डिलीवरी डॉक्टर को करना पड़ता है। या कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि आपको यानी कि 9 मंथ से ज़्यादा हो गए, प्रेगनेंसी डेट से ओवर हो रहा है, फिर भी आपका यानी कि दर्द नहीं हो रहा है, लेबर पेन नहीं हो रहा है, तो इसके कारण भी यानी कि डॉक्टर को जब बच्चेदानी का मुंह खुला नहीं होता है तो सिजेरियन डिलीवरी करना पड़ सकता है, करना पड़ता भी है। चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि 9वें महीने में हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे हमारा नॉर्मल डिलीवरी का चांस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। सबसे पहले मैं बताऊँगी कि यदि आप का प्रेगनेंसी पूरी प्रेगनेंसी में आप चाहे तो एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे नॉर्मल डिलीवरी का बहुत ज़्यादा चांस होता है। और आप कर सकते हैं पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं, काफ़ी अच्छी मात्रा में पानी ले जिससे आपका बॉडी में पानी की कमी बिल्कुल भी ना हो। आप हेल्दी फूड ले, अच्छा मतलब कि आप खाना सही टाइप में ले, हेल्दी खाना ले जिससे आपका शरीर में ब्लड की कमी नहीं होगी, पानी की कमी नहीं होगी। और एक बात कि आपको यानी कि टेंशन नहीं लेना है। जब आप डिलीवरी के दौरान टेंशन लेते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो आप जितना भी कुछ खा ले, एक्सरसाइज कर ले, जितना भी आप पानी पी ले, कुछ भी कर ले, एनीथिंग, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि जहाँ पर टेंशन है, तनाव है, चिंता है, खास करके प्रेगनेंसी में आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं लेनी है, तनाव नहीं करना है। ये आपके बच्चे और आपके लिए बहुत ही नुकसान हो सकता है और नॉर्मल डिलीवरी के चांस को कम कर सकता है। क्योंकि अक्सर महिलाएं आप ज़्यादा टेंशन में रहेंगे, तनाव में रहेंगे, चिंता में रहेंगे तो आपका बॉडी पर बहुत सारे इफ़ेक्ट पड़ेंगे। क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में बहुत सारे बदलाव आते हैं। ऊपर से ज़्यादा आप चिंता लेंगे, तनाव लेंगे तो आपको नींद कम आएगी, तो जाहिर सी बात है कि आपको बहुत सारी परेशानियां बढ़ेगी, जैसे कि गैस की समस्या होगी, पेट की कब्ज की, सीने में जलन, बहुत सारी शरीर में कष्ट होगी जिसकी वजह से आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए अच्छे से तैयार नहीं हो पाएंगे, अच्छे से पुश नहीं कर पाएंगे। तो इन सभी बातों पर ध्यान रखें। हो सके थे एक्सरसाइज अच्छे तरीके से करें, सुबह वॉक करें, थोड़ी सी हवा बाहर के सुबह की हवा लें, सुबह आप थोड़ी सी धूप में बैठें, थोड़ी सी टहलें, इन सभी चीज़ों को ज़रूर करें जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो आई होप आज की वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है डॉक्टरी फरमाश नहीं है, वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, तो इस वीडियो पे आंख बंद करके भरोसा ना करें।